वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं जो इस तरीके की बातें करते हैं, हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें करते हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा पानी, साफ पानी नहीं है हमारे यहाँ पे, बदबूदार पानी आता है हमारे यहाँ पे, बारिश में वाटर लॉगिंग हो जाती है, हर जगह पानी पानी गंदगी फैली होती है। दूसरा, यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं है। सफाई के नाम पे आप हमारे एरिया में घूम सकते हैं और आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि किस कदर गंदगी है। बेड पे आप मालवीय नगर अगर हॉस्पिटल जाएंगी तो वहाँ पे एक बेड पे दो पेशेंट, तीन महिलाएं होती हैं। तो ये कहाँ का समाज है कि महिलाओं को इतने पेनफुल वाले वक्त भी हम एक बेड नहीं मुहैया करा सकते। कभी वो आई इलेक्शन में, एक बार आई थी, वो भी मुंह पे ऐसे कपड़ा रख के, क्या उनको हमारे एरिया में बदबू लग रही थी? तो क्या उन्होंने उस बदबू का समाधान ढूंढा पिछले 5 सालों में? कांग्रेस पार्टी जान फूंक रही है अपनी पार्टी में। खड़गे साहब हैं, उसके बगल में सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। खड़गे साहब जो हैं दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी अब दलित प्लस मुसलमान कार्ड खेल रही है और अधिकतर देखा जा रहा है कि दलितों को अपना उम्मीदवार बना रही है। इसके साथ ही मुसलमानों को भी अब जगह दिया जा रहा है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए और जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर के पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कमर कस रही है। राहुल गांधी भी अब पहुंच चुके हैं, लेकिन देश की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली में भी MCD का चुनाव होना है। माना जाता है कि ये छोटी सरकार का चुनाव है, छोटी सरकार को चुना जाना। वैसे भी जो तीनों पहले तीन नगर निगम हुआ करते थे, अब तीनों को मर्ज कर दिया गया है, सिर्फ एक नगर निगम बना दिया गया है और अब पूरी दिल्ली का सिर्फ एक मेयर होगा। मालवीय नगर से कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, यहाँ पर कौन कौन समस्याएं हैं जनता के बीच जा रही हैं? यहाँ पर देखा गया कि जो पहले यहाँ पार्षद हुआ करती थी तो वो BJP के साथी हैं, तो लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। सबसे पहले जय हिंद साथियों, मैं इतना कहूँगी कि मैं जनता के बीच कोई आज नहीं हूँ। मैं इस मालवीय नगर से पिछले 11 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं उस 11 साल की जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने पिछले 11 साल में यहाँ पे अंडर EWS होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें मैंने लगभग 8,000 रजिस्ट्रेशन करे हैं EWS के बच्चों के, और जिसमें से मेरे 5,000 सक्सेसफुल एडमिशन्स हैं पूरी दिल्ली में। और इस मालवीय नगर वाले एरिया में मैंने 3,000 बच्चे हैं, बाकी हमारे बेगमपुर जो हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, बेगमपुर है, कालूसराय है, यहाँ के बच्चों के साथ भी मैंने काम करा है और उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिलाने का पूरा प्रोसेस करा है और उनके साल भर उनके पेपर तैयार करवाना कि क्या क्या एडमिशन्स में चाहिए, राशन कार्ड, OBC SC का कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, वो मैंने पिछले 11 साल से बनवा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने उन लोगों के लिए हर साल फाइट करती हूँ कि उनको बुक्स और यूनिफॉर्म किसी भी तरीके से फ्री में मिले, क्योंकि ये भी एक आप बहुत बड़ी जो EWS की बात कर रही हैं, देखा जाता है कि अधिकतर समर समाज में होता है, तो क्या मुसलमान भी EWS में आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। नहीं, अलग आरक्षण मिलता है? नहीं नहीं, अलग आरक्षण नहीं मिलता। अगर आप सचर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि SC से भी नीचे मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज तो बहुत पीछे है। अगर उसमें EWS आरक्षण का कॉन्सेप्ट यही है कि जो लोग जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जैसे सवर्ण समाज के लोग जो ठाकुर ब्राह्मण हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, तो 10% जो है उनको दिया जाता है कि आर्थिक रूप से वो लोग कमजोर हैं, उन लोगों को दिया जाए। नहीं, EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अगर वो ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो है, मैं भी कह रहा हूँ आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको EWS का कोटे के अंडर बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। और इसी एजुकेशन के साथ साथ मैंने हॉस्पिटल्स में भी बहुत काम करा है, हमारे नियर बाई जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल में कांग्रेस के ज़माने से, यानी 11 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी उस ज़माने से, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का ट्रीटमेंट करवाना और उन लोगों में बेदारी डालना, उनको ये बताना कि जी आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं। नहीं, ये तो अलग मुद्दा हो जाता है, EWS क्या है, आपने कितनी, हाँ आपने कितनी हेल्प की, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब जनता के बीच जा रही हैं तो जनता कुछ उम्मीद करती है, तो जब नंदिनी शर्मा भी आती होंगी या जो आम आदमी पार्टी तरफ से उम्मीदवार हैं वो भी आती होंगी, तो फिर उनसे भी जनता कुछ ना कुछ उम्मीद करती होगी कि अगर वो पार्षद बनेंगी, चुन करके आएंगी तो फिर कुछ बेहतर करेंगी। तो आम जनता से आप क्या वादा कर रही हैं? देखिए, मैंने 6,000 लोगों के इलेक्शन से पहले एक कैंपेन चलाई थी जिसमें मैंने डोर टू डोर जाके लोगों से उनके मुद्दे पूछे थे, तो मैंने पाया कि हर 10
घर के बाद वो प्रॉब्लम्स रिपीट होने लगी और उन रिपीट्स प्रॉब्लम को मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले मेन पार्किंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा पानी, साफ पानी नहीं है हमारे यहाँ पे, बदबूदार पानी आता है हमारे यहाँ पे, बारिश में वाटर लॉगिंग हो जाती है, हर जगह पानी पानी, गंदगी फैली होती है। दूसरा, यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं है। सफाई के नाम पे आप हमारे एरिया में घूम सकते हैं और आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि किस कदर गंदगी है। तीसरा, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक पेट क्लिनिक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि पेट क्लिनिक हमारे यहाँ पे हर किसी के यहाँ जानवर हैं और अगर हमारा आम जानवर भी है तो पेट क्लिनिक की इतनी बड़ी समस्या है कि पेट क्लिनिक होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक मुद्दा जो मैं पिछले एक साल से एक पेटिशन चला रही हूँ ऑनलाइन, जिसमें मेरी डिमांड है कि जच्चा बच्चा केंद्र वार्ड वाइज होना चाहिए, जिससे महिलाएँ, आज इतने सालों बाद भी महिलाओं को डिलीवरी के टाइम पे एक बेड नहीं मिलता। एक बेड पे आप मालवीय नगर अगर हॉस्पिटल जाएंगी तो वहाँ पे एक बेड पे दो पेशेंट, तीन महिलाएं होती हैं। तो ये कहाँ का समाज है कि महिलाओं को इतने पेनफुल वाले वक्त भी हम एक बेड नहीं मुहैया करा सकते। तो अगर मैं आती हूँ और मैं आऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं महिलाओं को, उनको जच्चा बच्चा क्लिनिक ज़रूर दूँगी, मैं पैट क्लिनिक ज़रूर दूँगी, पार्किंग की सुविधा ज़रूर कोशिश करूँगी पूरी, ये मेरा है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के जो दावेदार थे उनको पकड़ा, टिकट दे दिया, जनता के बीच में जाती नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। शायद उन्होंने मेरा सर्वे कराया नहीं है, अगर वो मुझे विकीपीडिया पे भी ढूंढेंगे तो मैं मिल जाऊंगी, और विकीपीडिया और गूगल किसी को ऐसे ही नहीं दिखा देता, कुछ ना कुछ जर्नी रही होगी। तो अलग चीज़ है, कुमार विश्वास भी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो कुमार विश्वास का भी सब कुछ है, विकीपीडिया वगैरह है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ चुकी है, उन्होंने महिलाओं को एक जच्चा बच्चा क्लिनिक नहीं दे पाई, उन्होंने क्या दिया। आज जब मैंने पहले भी एक बार ये इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं जच्चा बच्चा क्लिनिक मैं बनाऊंगी अगर मैं आ गई, तो ये ख्याल पहले से क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जनता के बीच में गई नहीं ना, उन्हें पता नहीं है मालवीय नगर हॉस्पिटल में किस तरीके से माहौल है, किस तरीके से महिलाएं परेशानी उठा रही है, कभी सफदरजंग गई नहीं, कभी ऑल इंडिया मेडिकल गई नहीं। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो फिर कांग्रेस पास क्या है इसी काट, वो कह रही है और हम करके दिखाने वाले हैं, सबके साथ सबके विकास के साथ। नहीं, बीते कई साल 15 सालों से एमसीडी पर तो बीजेपी है और कांग्रेस तो है ही नहीं, ना सरकार में है, तो फिर भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो भरोसा जीतना उनको है ना दोबारा से, हमारा तो भरोसा है लोगों पे, मुझे तो कांग्रेस नहीं, अगर भरोसा होता, अगर भरोसा होता तो फिर जाहिर सी बात है कि जनता नकारती नहीं, तो जनता चुनती बार बार। आपको सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से पता है, अब खुल के कैमरे के सामने अगर हम इन बातों को रखेंगे तो मसला ही खड़ा होगा। तो आप अब इस एरिया में घूमिए, आप अपना ग्राउंड जीरो कंप्लीट करिए कि सच में लोगों के बीच में समस्या है या नहीं है। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं जिनको अनदेखा करा जाता है। आप एक बार ये बता दीजिए कि नंदिनी शर्मा जी का कोई ऑफिस खुला इन 5 सालों में, कोई ऐसी एक जगह थी जहाँ हम उनको कॉन्टेक्ट कर सकते थे। क्लिनिक खोल रखा है, नीचे इलाज करती हैं, क्लिनिक खोल रखा है ना, जनता के लिए दरबार तो नहीं खोल रखा क्या? पेट का दर्द वाला भी वहाँ पहुँचेगा, और जिसको एसडीएम से कोई कार्ड लेना है या अपना अपना बच्चे का जन्म पत्र बनवाना है, जन्म पत्री बनवानी है, तो क्या वो भी वहीं जाएगा? हॉस्पिटल अगर है या क्लिनिक है तो क्लिनिक पे क्लिनिक वाला काम होगा ना, जनता की सेवा वाला काम नहीं होगा। तो जनता की सेवा के लिए उन्होंने कोई ऑफिस नहीं खोला, कभी आप बात तो करें आके, उन्होंने एक बार भी कभी कोशिश नहीं करी। मेरे खुद के, मैं यहाँ की रिहायशी हूँ, रहने वाली हूँ, बाय बर्थ हूँ मैं यहाँ की, कभी वो आई इलेक्शन में एक बार आई थी, वो भी मुंह पे ऐसे कपड़ा रख के, क्या उनको हमारे एरिया में बदबू लग रही थी? तो क्या उन्होंने उस बदबू का समाधान ढूंढा पिछले 5 सालों में? कभी दोबारा रिपीट करके देखा कि ये लोग कैसे रहते हैं? मैं बेगमपुर गई थी, बेगमपुर की झुग्गियों में मैंने देखा, आज भी अगर आप जाएंगे तो नालियों में इतना इतना गंदा खड़ा हुआ पानी। तमाम बड़े नेता कहते हैं मुसलमानों का उन्हें वोट नहीं चाहिए, 80-20 की बात इसीलिए करते हैं, तो क्यों आएंगे मुसलमान आबादी में जहाँ पर मुसलमान रहते हैं? अरे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, यह कैसी बात, अनसंवैधानिक बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। असंवैधानिक, लेकिन प्रवेश वर्मा जैसे तमाम ऐसे नेता हैं, अनुराग ठाकुर वगैरह हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, जब CNRC होता है तो किस तरीके का बयान आता है पूरी दुनिया जानती है। देखिए, इन बयानबाजी से ना हिंदुस्तान की यूनिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, वो चंद लोग हैं जो खुराफात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, उसे पता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के वासी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा पावर है और उस पावर को हम एक साथ यूनाइटेड होके निभा रहे हैं। लेकिन इस तरीके के लोग अगर बयानबाजी करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं जो इस तरीके की बातें करते हैं, हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि देखिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में हैं और हमें यहाँ पर सबका साथ चाहिए। हमारे लिए
ना सिर्फ मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और जो हमारे आदिवासी लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। और जो आरएसएस के चीफ हैं तो वो भी कहते हैं कि सब पर डीएनए एक है। खैर अलग मामला है। तो लेकिन जनतक भी जब आप जा रही हैं तो क्या ब्लू प्रिंट है, क्या रूपरेखा है कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें जिता दीजिए और हम आपको ये सुविधाएँ, ये चीज़ें मुहैया करवाने काम करेंगे। देखिए ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों में आपके चीज़ों में नहीं कर सकती। मैं इसका बोलूँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फलाना ढिकाना, नहीं, इलेक्शन एमसीडी का है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जनता भी जब आप जा रही हैं तो क्या क्या वादे कर रही हैं, कौन कौन से ऐसे वादे कर रही हैं कि जनता आप पे भरोसा करे और कांग्रेस पार्टी को वोट करे, आपको वोट करे। देखिए जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हिंदुस्तान को चलाने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ने जब अपनी आइडियोलॉजी को देखा रखा और वो अपनी आइडियोलॉजी पे हर मुश्किल वक्त में भी अपनी आइडियोलॉजी से नहीं। क्या है विचारधारा? सबका साथ। वो बीजेपी भी कह रही है, वो कह रही है, कर नहीं रही। अगर वो कह रही होती तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ये आइडियोलॉजी शो कर रही है। नहीं तो नेताओं का बयान तो आएगा तो पार्टी आइडियोलॉजी से ही, तो पार्टी उनको अलाउड कैसे करती है? अगर वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे तो पार्टी को फौरन उन्हें बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। क्या उन्होंने किया? आपने किसी कांग्रेस लीडर से सुना कि वो इस तरीके की बातें कर रही है? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो अपने लीडर्स पे कंट्रोल रखते हैं। अगर उससे बाहर जाते हैं तो वो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि भैया जो पार्टी पसंद हो आप वहाँ चले जाओ, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी से बिखर नहीं रहे हैं। तो हमें वही पार्टी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट। आप राहुल गांधी जी को देखें तो आज वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ना कि तोड़ो, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अगर जोड़ो से भी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे समझ में आएगा? और इतनी इतनी बड़ी बातें ना करके आप अगर मुद्दों की बात मुझसे करें कि आपने क्या करा और क्या करना चाहती हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन क्या रूपरेखा है आपके पास? देखिए मेरा तो यही है कि अगर मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला मैं जच्चा बच्चा केंद्र ज़रूर बनाऊँगी। इसके अलावा मैं पार्किंग की परेशानी को दूर करूँगी, मैं पेट क्लिनिक खोलूँगी, मैं एक हिंदुस्तान अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी वार्ड को एक आइडियल वार्ड बनाने की कोशिश करूँगी। मेरा बहुत क्लियर कट है कि मुझे भेदभाव की राजनीति नहीं करनी। अगर आप मेरा पूरा पिछला उठा के देखेंगे तो मैं पॉलिटिकली कम, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट का मैंने रोल करा। सोशल एक्टिविस्ट सभी को पता है कि बहुत माइंड से क्लियर होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझे धर्म जाति भेदभाव में ना फंसाएं, सीधे सीधे मुझे मुद्दों की राजनीति करने दें और मैं मुद्दे बेस राजनीति करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बहुत जोश के साथ तैयार हूँ। अगर मुझे लोगों का सपोर्ट मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मालवीय नगर की जो मानसिकता है वो जाति भेदभाव से बहुत ऊपर उठकर है, वो किसी की बातों में आने वाली नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वो लोग ऐसे पॉलिटिशियन को पसंद करेंगे जो उनके इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करे, ना कि धर्म जाति भेदभाव की। तो मुझे बहुत क्लियर कट है कि इंशाल्लाह ताला मेरी जीत होगी, और मेरी जीत में ना सिर्फ मेरी जीत होगी, मेरी पूरे वार्ड की जीत होगी, एक ऐसी सोच की जीत होगी जो सबको साथ में लेके चलने वाली सोच हो और मुद्दे बेस्ड सोच हो, यानी कि हमें इशू बेस्ड सोच को ऊपर लेकर जाना है, सबको सपोर्ट करना है, सबका सहारा बनना है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे मालवीय नगर का वार्ड मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगा इसमें। शुक्रिया आपका तबस्सुम फातिमा सिद्दीकी जी। 8 को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि मालवीय नगर का जो है कि पार्षद कौन होगा अगले 5 साल तक, कौन यहाँ की सत्ता को चलाएगा। 8 तारीख का इंतज़ार करना होगा, नतीजे उसी दिन आएंगे। आपकी क्या राय है, आप लोग किस तरीके से मालवीय नगर वार्ड को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।